नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने शनिवार को गोटन का दौरा किया। इस दौरान सांसद ने सालारसर दिल्ली सराय रोहिल्या रेल के गोटन में प्रथम ठहराव पर ही झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रामीणों ने रेल के ठहराव पर सांसद का स्वागत किया। तत्पश्चात गोटन के दरडा धर्मशाला में अपने जन्मदिन पर केक काटकर कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही सांसद ने गोटन बाजार की सड़क का भी जेके प्रशासन के सहयोग से बनाने का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार ने बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके रीट परीक्षा पेपर में धांधली करके युवाओं के सपने को अंधकारमय कर दिया है। राज्य सरकार की कोई भी भर्ती निष्पक्ष नहीं हो पाई है। इस दौरान मिर्ता पूर्व विधायक सुखराम नितड़िया, मिर्ता प्रधान संदीप चौधरी, रेलवे के डीआरएम गीतिका पांडे, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता देवी सिंह सिसोदिया, ऋषभ राठी, गोटन सरपंच भवरलाल जमेरिया, टूकलिया सरपंच रामस्वरूप कस्वा, भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष ओम प्रकाश माली, श्रवणपाल सिंह, रविन्द्र खोखर, शंकर सिंह सहित ग्रामीण व भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन सांसद महोदय का हमेशा जनता के लिए चिंता रखते हैं। हम कभी भी कोई काम कहते हैं, आज गांव में कोई स्कूल के लिए भवन के लिए जा रहा है, मैंने ये देखा है कि इन्होंने कभी भी आज गए तो नेक्स्ट डे उसकी स्वीकृति दी है और ज्यादा से ज्यादा काम करवा